नवरात्र के 9 दिनों तक पूरी विधि उपवास करने के बाद नवमी के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। हर उपवास करने वाले की यह जानने की इच्छा होती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता जल्दी प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग जरूर लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े धार्मिक चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि माता के 9 अलग अलग रूपों को लगाया जाने वाला भोग। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दें। माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। माता ब्रह्मचारिणी को लगने वाला भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। माता चंद्रघंटा को लगने वाला भोग। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाली ब्राह्मण के लिए निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासकों को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। माता कुष्मांडा को लगने वाला भोग। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुओं का भोग लगाया जाता है। इस दिन यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती है और साथ साथ उसके फैसले लेने की शक्ति भी बढ़ाती है। माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्र के पांचवें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। माता कात्यायनी को लगने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। छठे दिन माता के इस रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवास करने वाले की आकर्षण शक्ति में बढ़ोतरी होती है। माता काल रात्रि को लगने वाला भोग। सप्तमी के दिन माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा के साथ दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले दुखों से मुक्ति मिलती है और उपवास करने वाले पर अचानक आने वाले संकट भी कम होते हैं। माता महागौरी को लगने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। इन्हें सिद्धियों की स्वामी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। तो दोस्तों, ये थे माता के 9 अलग अलग रूपों को लगाया जाने वाला भोग। तो अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से माता को भोग लगाकर प्रसन्न करें और हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे भक्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। बोल जगदम्बे मात की जय।